गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम विषय गणित कक्षा पहली 1 से 100 तक संख्याओं के विषय में फिर से अपनी समझ बनाएंगे, पकड़ बनाएंगे और कुछ मज़ेदार गतिविधि करेंगे। आज हम 1 से 100 तक संख्याओं को फिर से लिखना, पहचानना, बोलना सीखेंगे। यही आज के विषय का प्रतिफल है। आप सभी बच्चों ने पिछली कक्षा में राजू और मीनू की कहानी तो सुनी ही है, जिसमें आपने रामू काका की, सीता चाची की 100 तक संख्याओं को गिनने में मदद की और 100 तक संख्याओं को गिनकर आपने अपनी समझ और पकड़ बनाई। तो चलिए फिर से हम उन संख्याओं को एक बार दोहराते हैं और अपनी समझ बनाते हैं। यहाँ आपको बच्चों दिखाई दे रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 100 तक की संख्याएं आपको दिखाई दे रहे हैं ना। अब इन 100 तक की संख्याओं में एक नई बात आपको दिखाई दे रही है, कुछ डिब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डिब्बे 10 के समूह को दिखाते हैं। इन डिब्बों के द्वारा हम 10 के समूह को दिखाते हैं और एक खड़ी लकीर, एक खुला, उसे हम इकाई से दर्शाते हैं। और इन्हीं 10 खुले समूहों से मिलकर के, 10 खुले वस्तुओं से मिलकर के एक दहाई बनता है, जिसे हम एक डिब्बे से दर्शाते हैं। इसलिए देखो 10, एक डिब्बा, एक दहाई 10 के बराबर है। 2 डिब्बे, 2 दहाई 20 के बराबर है। 3 डिब्बे, 3 दहाई 30 के बराबर है। 4 डिब्बे, 4 दहाई 40 के बराबर है। 5 डिब्बे, 5 दहाई 50 के बराबर है। 6 डिब्बे, 6 दहाई 60 के बराबर है। 7 डिब्बे, 7 दहाई 70 के बराबर है। 8 बंद डिब्बे, 8 दहाई 80 के बराबर है। 9 बंद डिब्बे, 9 दहाई 90 के बराबर है। 10 बंद डिब्बे, 10 दहाई 100 के बराबर है, मतलब 1 सैकड़े के बराबर है। तो बच्चों आपने इन संख्याओं को पहचानना सीख लिया है। चलो अब हम बीच बीच की संख्याओं से संबंधित कुछ गतिविधि करते हैं। क्या आप लोगों ने घर में अभ्यास किया है? और अभ्यास किया है तो चलो आओ हम एक बार फिर से यहाँ देखते हैं और अपनी समझ बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ डब्बे और कुछ खुले दिखाई दे रहे हैं, तो आओ इन डब्बों को गिने और उन खुले को हम गिनते हैं। तो डब्बे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 5 डब्बे, 5 दहाई 50 और एक खुला। 50 और एक कितना हुआ? 51। बहुत बढ़िया, 50 और एक 51। चलो ऐसे ही कुछ और गतिविधि करते हैं। यहाँ पर कितने डिब्बे और कितने खुले दिखाई दे रहे हैं, इन्हें गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5 5 बंद डिब्बे और 2 खुले। तो 5 बंद डिब्बे मतलब 50। तो बच्चों यहाँ पर कितने बंद डिब्बे और कितने खुले हैं, आओ इन्हें गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 5 बंद डिब्बे और 2 खुले। तो मिलकर कितने हुए? 5 बंद डिब्बे 50 और 2 52। तो कितने हुए? 52। आइए कुछ और बंद डिब्बे और खुले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें, गिनते हैं जरा इन्हें। 1, 2, 3, 4, 5 5 बंद डिब्बे और 3 खुले। 5 बंद डिब्बे का मतलब 5 बंद डिब्बे का मतलब 50 और 3 53। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने सभी बहुत अच्छा अभ्यास किया है। और ऐसे ही कुछ अभ्यास और दिए गए हैं, चलो आओ उन्हें भी करते हैं। यहाँ पर कितने बंद डिब्बे और खुले दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3,
चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ बन डिब्बे, आठ बन डिब्बे का मतलब आठ दहाई 80। अब कितने खुले हैं? 80 के आगे चलो गिनती करते हैं। 81, 82, 83, 84, 85। तो कितने हुए हमारे पास? 85। तो बहुत अच्छा बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को प्रयास करना है, अभ्यास करना है। चलो अब ऐसे ही कुछ और गतिविधि करते हैं। यहाँ आपको कौन दिखाई दे रहा है जरा देखो तो, बंदर। उस बंदर का नाम है मैकू। अब आओ चलो, मैकू को गिनने में बड़ी परेशानी हो रही है, उसकी मदद करते हैं। तो बच्चों चलो हम मैकू बंदर की केले गिनने में मदद करें। यहाँ पर मैकू के पास कुछ केले हैं, आओ उन केलों की हम गिनती करें। कुछ केले यहाँ पर आपको 10 के समूह में दिखाई दे रहे हैं और कुछ यहाँ पे खुले दिखाई दे रहे हैं। तो चलो पहले आप 10 के समूह में कितने केले हैं उनकी गिनती करते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 10 केलों का यहाँ पर 5 समूह हैं। 5 समूह मतलब 5 दहाइयाँ 50। और कुछ केले यहाँ पर खुले दिखाई दे रहे हैं, तो चलो 50 के आगे गिनती करते हैं। 51, 52, 53, 54। तो मैकू के पास कितने केले हैं? 54 केले हैं। आओ बच्चों, अब यहाँ पे आपको मैकू के पास कुछ संतरे दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे 10-10 के समूह में संतरे रखे हुए हैं और कुछ अलग से रखे हुए हैं, आओ इनकी गिनती करें। 10 के समूह में कितने हमारे पास संतरे हैं देखते हैं। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह और 6 समूह। हमारे पास 10 संतरों के 6 समूह हैं। 6 दहाई मतलब 60। 60 संतरे और उसके आगे कुछ संतरे और हैं, चलो आगे गिनती करते हैं। 61, 62। तो मैकू के पास कुल 62 संतरे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं शीला। शीला बड़ी परेशान है, उसके पास ढेर सारी पेंसिल्स हैं जिनको वो गिनना चाह रही है, लेकिन शीला ने यहाँ पर पेंसिलों का 10 का समूह बना करके रखा हुआ है। तो चलो 10-10 के समूह में कितनी पेंसिलें हैं उनकी गिनती करें, और कुछ पेंसिल आपको खुली भी दिखाई दे रही हैं उनकी भी गिनती करते हैं। तो चलो पहले 10 के समूह में हम पेंसिलों को गिनते हैं। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह, 6 समूह, 7 समूह। पेंसिलों के 7 समूह हैं। 7 दहाई मतलब 70 पेंसिल। अब 70 के अलावा और भी कुछ पेंसिल हमें खुली दिखाई दे रही हैं, चलो आओ उनकी भी गिनती करें। तो 70 के आगे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। कितनी पेंसिलें हैं शीला के पास? 78 पेंसिलें हैं। तो बच्चों देखो, ये है खरगोश। खरगोश गया किसान के पास, और किसान के पास गया और वहाँ पर बहुत सारी गाजरें बोई हुई थी किसान ने। अब खरगोश को तो गाजर बहुत पसंद है, और ठंड का मौसम भी है, हमें भी गाजर बहुत पसंद है, हम भी गाजर का हलवा खाते हैं, है ना? आप लोग भी खाते होंगे अपने घरों में, ठीक है? तो अब खरगोश जो है, गाजर बहुत उसे पसंद है, इसलिए वो किसान के पास से ढेर सारे गाजर ले आया, और उन गाजरों को अब उसने क्या किया? खाना शुरू कर दिया। नहीं, खाना शुरू नहीं किया, उसे तो पता ही नहीं कि उसके पास कितने गाजर हैं, इसलिए उसने गाजरों को 10-10 के समूह में बांट दिया। बड़ा चतुर है ये खरगोश, उसे पता है कि 10-10 के समूह में जब हम बांटते हैं तो हमारी गिनती आसान हो जाती है। तो उसने 10-10 के समूह में गाजरों को बांट दिया, और जिन गाजरों के 10 के समूह नहीं बन पाए उनको अलग से रख दिया। तो चलो आओ हम गिनते हैं, है ना, और खरगोश की मदद करते हैं कि उसके पास कितने गाजर हैं। चलो आओ गिनती करें। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह, 6 समूह, 7 समूह, 8 समूह, 10 के
10 गाजरों के 8 समूह, मतलब कितने गाजर हुए? 80 गाजर। अब 80 के अलावा कुछ और भी गाजर हैं, चलो आओ उनकी भी गिनती करें। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। तो 88 गाजर। वाओ, खरगोश के पास 88 गाजर हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा है? साहिल। और साहिल के पास क्या दिखाई दे रही है? माचिस की डिब्बी। आज साहिल को बड़ा मन हुआ कि चलो माचिस की डिब्बी में कितनी तिलियां होती हैं उसे गिना जाए, क्योंकि उसने अपने गणित की कक्षा में गिनती सीखी हुई है, इसलिए वो माचिस की तिलियों को आज गिनने की कोशिश कर रहा है। और उसने क्या किया है, उसने 10-10 के समूह में माचिस की तिलियों को बांट दिया है, और कुछ माचिस की तिलियां उसने जला दी थी शायद, इसलिए जो बची हुई हैं और उसका 10 का समूह नहीं बन पाया, इसलिए उसने उसको खुला रख दिया है। तो चलो आओ माचिस की तिलियों के समूह को गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने समूह? 9 समूह। 9 समूह मतलब 9 दहाई 90। 90 तिलियां और कुछ तिलियां खुली रखी हुई हैं, आओ उनको भी गिने। 90 के आगे की गिनती गिनते हैं। 90 और 1, 91। तो साहिल के माचिस की डिब्बी में कितनी तिलियां हुई? 91 तिलियां। बहुत अच्छे बच्चों। तो बच्चों, आप संख्याओं को क्रम से पहचानना अब सीख चुके हैं। तो चलो आओ, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, है ना? पहले और बाद की संख्या आपको बताना है। यहाँ पर 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बीच के डब्बे में लिखा हुआ है 72। अब 72 के पहले और 72 की बाद की संख्या हमें पहचान कर लिखना है, ठीक है? तो चलो बताओ, 72 के पहले क्या आएगा क्रम से? 71। और 72 के बाद क्या आएगा? 73। 71, 72, 73। आगे चलो एक और गतिविधि करते हैं। यहाँ पर फिर से हमें 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं और बीच के डब्बे में एक संख्या लिखी हुई है, क्या आप उसे पहचान सकते हो? बिल्कुल, ये लिखा हुआ है 89। अब 89 के पहले और 89 के बाद कौन सी संख्या आएगी आपको पता है, और चलो आप बताओ। तो 89 के पहले बेटा 88 और 89 के बाद 90। 88, 89, 90। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो बच्चों आपने क्रम से संख्याओं को जमाया, है ना? तो इसका एक और भी तरीका है जिससे आप ये जांच कर सकते हो कि आपने क्रम से सही जमाया या नहीं। जब भी आप क्रम से जमाओगे संख्याओं को, तो पहले की संख्या में हमेशा हमें एक कम करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, और बाद की संख्या के लिए हमें एक मिलाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। तो आगे से आप इसका ध्यान रखना और संख्याओं को क्रम से जमाना। तो बच्चों, चलो इसी पर हम अपनी समझ बनाते हैं। यहाँ पर आपको बीच की संख्या बतानी है। यहाँ पे 3 डिब्बे दिए हुए हैं, जिसमें पहले डिब्बे में 72 लिखा हुआ है, बीच का डिब्बा खाली है, और तीसरे डिब्बे में 74 लिखा हुआ है। तो बच्चों, 72 के बाद कौन सी संख्या आएगी, या 74 के पहले कौन सी संख्या आएगी? तो मैंने आपको अभी एक नियम बताया ना, एक तरीका बताया कि बाद की संख्या निकालने के लिए एक जोड़ो। तो 72 में एक जोड़े, कितना आया? 73। तो चलो इसकी जांच भी कर लेते हैं, 74 के पहले क्या आएगा? तो जब भी पहले की संख्या निकालना होता है तो उसमें एक घटाते हैं या कम कर देते हैं। तो 74 में एक कम कर दिए तो आया 73। तो हमारी ये
क्रम जो है पूरी हो गई, 72, 73, 74। वैसे ही एक और उदाहरण है, देखो जरा, यहाँ पर 3 डिब्बे बने हुए हैं जिसमें पहले डिब्बे में लिखा हुआ है 97, बीच का डिब्बा खाली है और आखिरी डिब्बे में लिखा हुआ है 99। तो 97 के बाद कौन सी संख्या आएगी या 99 के पहले कौन सी संख्या आएगी? तो 97 के बाद की संख्या निकालने के लिए 1 मिला दो, बन गया 98। और 99 के पहले क्या आना चाहिए ये हमें पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 99 में से 1 हटा दो, घटा दो, तो आया 98। तो हमारा ये क्रम पूरा हो गया, 97, 98, 99। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों अब आप 1 से 100 तक संख्याओं को क्रम से लिखना, पहचानना, बोलना सीख चुके हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे की जो गतिविधि मैं आप लोगों को देने वाली हूँ आप उसे बखूबी कर पाएंगे, है ना? तो अब मैं आपको बीच बीच की कुछ संख्याओं को दूंगी और आपको उन्हें सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़े के क्रम में जमाना होगा, जिसे हम बढ़ते क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं 3 संख्याएं। पहले लिखा हुआ है 32, फिर लिखा हुआ है 20 और फिर लिखा हुआ है 99। अब इन्हें हमें सबसे छोटे, फिर उससे बड़े और सबसे बड़े क्रम में जमाना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है, 20। तो सबसे पहले क्या आएगा, 20। उसके बाद 20 से थोड़ी जो बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 32। तो 20 के बाद क्या आना चाहिए, 32। अब जो सबसे बड़ी संख्या हमें दिखाई दे रही है वो है 99। तो इस प्रकार से बच्चों हम बढ़ते क्रम में जमा सकते हैं। बढ़ते क्रम के ही उल्टा होता है घटते क्रम। घटते क्रम में हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या, उससे फिर छोटी और फिर सबसे छोटी संख्या लेते हैं, है ना? उसी को हम घटते क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ 3 संख्याएं आपको दी गई हैं बीच बीच से, चलो तो आप इसे जमाइए। सबसे पहले लिखा हुआ है 76, फिर 86 और फिर 46। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जरा देखो तो, बिल्कुल सही, 86 सबसे बड़ी संख्या, 86। फिर 86 से थोड़ी छोटी संख्या कौन सी है, बिल्कुल सही, 76। तो 86 के बाद क्या आएगा, 76। और जो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है, 46। तो इस प्रकार से हमने घटते क्रम में जमाया, 86, 76, 46। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों आपने अभी घटते क्रम और बढ़ते क्रम सीखा। तो चलो अब मैं आपको बहुत सारी संख्याएं देती हूँ और आपको उन संख्याओं को क्रम से तीर के निशान लगाते हुए जमाना है। उसमें से सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, आपको बढ़ते क्रम में ही उन संख्याओं को जमाना है। आपके संख्याओं को के क्रम, आप संख्याओं के क्रम को जानते हैं और उसी क्रम से इन संख्याओं को जमाना है। तो देखिए यहाँ पर खूब सारी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, इनमें से आपको सबसे छोटी कौन सी नज़र आ रही है? तो बच्चों यहाँ पर हमें 51 सबसे छोटी संख्या नज़र आ रही है ना? अब 51 के बाद हमें क्रम से संख्या मिलाने के लिए एक तीर का निशान बनाना होगा। तो चलो आओ, 51 के बाद क्या आता है, 52। तो 51 से 52 को मिलाने के लिए एक तीर का निशान लगाएंगे पेंसिल से। ठीक है, चलो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। फिर 53, फिर 54, फिर 55, फिर 55 से 56, 56 से 57, 57 से 58, 58 से 59, 59 से
60, तो 59 के बाद 60 आता है। इस तरीके से आपने बहुत सारी संख्याओं के क्रम को भी पूरा कर लिया बच्चों। तो बच्चों आपको इसी तरीके से क्रम से मिलाते हुए गतिविधियों को पूरा करना है। आपको अपने किताब में इसी तरीके की कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, क्रम से मिलाओ, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, आपको उन गतिविधियों को देखना है और पूरा करना है। तो बच्चों धन्यवाद। आशा करती हूँ मैं कि आज आप लोगों ने अपनी समझ बनाई होगी। किस विषय में? 1 से 100 तक संख्याओं के विषय में आज आपने बहुत अच्छा किया। 1 से संख्याओं के क्रम को पहचाना, लिखा, जाना। तो आशा करती हूँ बच्चों अगली कक्षा में भी आप इसी तरीके से सहयोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।